हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मालविया कैड सॉल्यूशन। आज हम एक हाइड्रोलिक पंप क्रिएट करने वाले हैं, जिसे रेडियल थ्री पिस्टन पंप भी कहते हैं। ये एक पॉलीहाइड्रॉन कंपनी मैन्युफैक्चरर है इसकी। तो ये पंप मुझे आज मिला और मैंने देखा इसे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी डिज़ाइन बना के एक ट्यूटोरियल के रूप में आप सभी को बताई जाए। इसलिए मैंने इस पंप का पूरा डिज़ाइन किया है और एक एक करके मैं इन सभी के पार्ट्स क्रिएट करूँगा और आप सबको दिखाऊँगा कि किस तरह से ये सब पार्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। उससे पहले, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर नई डिज़ाइन के ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये पंप किस तरह से वर्क करता है, क्या है, तो एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जिसको एनिमेशन के रूप में मैंने क्रिएट किया है। तो आप देखें और समझे कि किस तरह से ये तीन पिस्टन असेंट्रिक शाफ्टिंग को टच करके कैसे वर्क करते हैं। ये स्प्रिंग, फिर शाफ्ट, तो इसमें देखिए इनपुट आउटपुट जो मेन बॉडी है वो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, ये नीचे वाली मेन बॉडी है, यहाँ पे कुछ थ्रेड है, फिर काउंटर होल है, ये बेरिंग साइज है जिसमें बेरिंग लगेगी, ये आउटपुट एडेप्टर लगने वाला आउटपुट पॉइंट है जिसमें से ऑयल निकलने वाला है जो सप्लाई होगा बाहर की साइड में, और ये है, मैं आपको सेक्शन व्यू के उस हिसाब से आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी सही तरीके से समझ में आ जाए कि ये कैसे काम करने वाला है। ये कुछ इस तरह से है, ये इसके सारे इनपुट सेक्शन हैं जो यहाँ से इसके ऊपर लगने वाले प्लंजर इसमें ऑयल को सप्लाई करेंगे। सप्लाई करने के बाद ये मेन होल जो आउटपुट है इसके अंदर से ऑयल बाहर निकलेगा। ये होल एक्चुअली ये ड्राइंग के डिज़ाइन के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि होल ये यहाँ से रियल में जब प्रोडक्ट बनती है तो ये यहाँ से ड्रिलिंग होता है, ये यहाँ से ड्रिलिंग होता है, ऐसे करके इन सब होल को मिला दिया जाता है और बाहर से कैप बंद कर दी जाती है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 2D ड्राइंग है जो हमने क्रिएट किया है। टॉप व्यू है, ये सेक्शन व्यू है इसका, ये बॉटम है, ये इसका डिटेल व्यू है जो हमने होल किया था, जो काउंटर बोर है, काउंटर बोर का जो डायमेंशन है वो इसमें हमने मेंशन किया है। इसकी टोटल हाइट 25 है, ये सारे डायमेंशन mm में हमने मेंशन किए हैं, जो आप इसका ड्राइंग आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ड्राइंग देख सकते हैं। तो चलिए का प्रोसेस चालू करते हैं हम। तो कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले कोई भी प्लेन सिलेक्ट करना पड़ता है, तो हम लेंगे टॉप प्लेन। फिर सर्कल क्रिएट करेंगे, एक और सर्कल क्रिएट करेंगे, इनको डायमेंशन, बड़े सर्कल का डायमेंशन है 180 डायमीटर एंड सेकंड सर्कल का डायमीटर 110 mm।
ओके okay. अब लाइन क्रिएट करेंगे, सेंटर लाइन ले लेते हैं पहले, वर्टिकल, और ये कंस्ट्रक्शन लाइन देंगे हम, फिर से लाइन एक्टिवेट करेंगे और एक लाइन हमको यहाँ पे क्रिएट करनी है। अब इस लाइन से सेंट्रल लाइन, इस लाइन से क्रॉस करेंगे तो पूरा इसकी लेंथ, टोटल लेंथ आ जाएगी। तो टोटल लेंथ हमें रखनी है 70 mm। मिरर कर देंगे इस लाइन को, मिरर अबाउट सेंट्रल लाइन। ओके, अब हमें ट्रिम करनी है। ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करेंगे, पावर ट्रिम, जस्ट होल्ड लेफ्ट की एंड ड्रैग इट। ओके, सर्कुलर स्केच, दिस डायमीटर 3 नंबर ऑफ पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न क्या है हमारी, फर्स्ट लाइन, सेकंड आर्क एंड थर्ड लाइन, देन ओके। फिर से ट्रिम एंटिटी, पावर ट्रिम, लेफ्ट होल्ड क्लिक एंड ड्रैग इट। ओके, फिलेट 10 mm, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कॉर्नर फिलेट हमको अप्लाई करनी है। ओके, फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस, मिड प्लेन, इसकी हाइट रखेंगे हम 25 mm। ओके, दिस फेस एंड स्केच, सेंटर सर्कल एंड हियर दो सर्कल क्रिएट करने हैं, इनका ओडी रहेगा 60 mm। होल्ड कंट्रोल की एंड सिलेक्ट बोथ आर सर्कल एंड इक्वल, इसका डायमीटर भी 16 हो गया। सिंपली इसको एक्सट्रूड कट कर देना है अप टू नेक्स्ट एंड देन ओके। फिलेट एक्टिवेट करेंगे, फिलेट 10 mm, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ओके। सर्कुलर पैटर्न एक्टिवेट करेंगे, फीचर कौन कौन से हमको करने हैं, कट और फिलेट, नंबर ऑफ पैटर्न 3 एंड दिस फेस। ओके, फ्रंट प्लेन, रेफरेंस प्लेन, प्लेन डिस्टेंस 60 mm। ओके, स्केच, कॉर्नर रेक्टेंगल एक्टिवेट करेंगे। सिंपली रेक्टेंगल क्रिएट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है सिंगल लाइन, एंड देन होल्ड कंट्रोल की एंड क्लिक हियर,
कोलिनियर। ओके, वापस से इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल होल्ड कंट्रोल की एंड सिलेक्ट हिज कोलिनियर। फिर से ये लाइन और इस लाइन को कोलिनियर। ओके, हमारा रेक्टेंगल तैयार हो चुका है। तो अब हमें फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस एक्टिवेट करना है। सिंपली हमें ये बाहर की साइड में इसको ऑपोजिशन डायरेक्शन में ले जाना है। तो यहाँ पे अब एक्सट्रूड करना है हमें, क्या करना है, अप टू नेक्स्ट। ओके, प्लेन को हाइड कर देंगे। फेस को सिलेक्ट करना है और होल विजार्ड में जाना है। होल विजार्ड में जाके होल सिलेक्ट करना है, अनसीमेट्रिक टैब ड्रिल। M12x1.5 इसकी डीप रखनी है हमें 20 mm। देन ओके, अब ओके एज इट इज, जो भी हमने सेट किया था वो सही है। पोजीशन सेट करनी है हमें इस फेस पर। तो सबसे पहले एक होल यहाँ, देन एक होल यहाँ पे। अब इसके डायमेंशन सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन हम क्रिएट कर लेंगे। इसका बिटवीन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा 40 mm। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट रहेगी 15 mm। ये पॉइंट और ये हो लाइन, ये सिमेट्रिक। ओके, अभी ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के हॉरिजॉन्टल में ले लेंगे। तो ओके, हमारा फुली डिफाइंड होल हो चुका है। सिंपली ओके, होल क्रिएट हो चुके हैं। अब इसमें थ्रेड अप्लाई करेंगे। इसके लिए जाना है होल विजार्ड में एंड क्रिएट थ्रेड। होल की थ्रेड किस लो किस में गिराने हैं हमको, वो लोकेशन पूछ रहा है। तो सिलेक्ट दिस होल, ब्लाइंड कंडीशन, डीप कितनी रखनी है आटे की, 19 mm। मैट्रिक टैप, हमने होल कौन सा सेट किया था, टैप होल 12.1.5। तो यहाँ पे 12.15 का टैप सेट होगा। तो 12.15 हमने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। कट थ्रेड, ओके। अब आपको करना क्या है कि सिंपली यहाँ से थ्रेड गिरेंगे तो एक कट जो होगा वो एक 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 थ्रेड होगा वो छूट के जाएगा। जिसके लिए हमें ऑफसेट करना है, 2 mm ऑफसेट करना है ये अंदर की साइड में। तो इसको रिवर्स करना है तो हमारी डीप भी 2 mm कम हो जाएगी। इसके लिए आपको करना है मेंटेन थ्रेड। तो वो जितनी हमने डीप अंदर 19 mm सेलेक्ट की थी वो हो जाएगी। ओके,
अब आपको मिरर इस थ्रेड को इधर लाना है। अब एक एक करके करने जाएंगे तो टाइम बहुत जाएगा हमारा, तो सिर्फ सिंपली हम मिरर मिरर का फीचर एक्टिवेट कर लेंगे और राइट प्लेन फीचर थ्रेड फीचर होल ऑलरेडी कर दिया है हमने। फिर से हम जाएंगे सर्कुलर पैटर्न, इस बार होल भी सिलेक्ट करना है, थ्रेड भी करने है और मिरर भी। डायरेक्शन, इसका सर्कुलर डायरेक्शन कौन सा रखना, तो इस स्पेस को हम सिलेक्ट करेंगे, देन ओके। होल क्रिएट, थ्रेड और होल क्रिएट हो चुके हैं। बी स्पेस को वापस हम स्केच स्पेस पे स्केच सिलेक्ट स्केच क्रिएट करना है, एक होल करना है जो कि ऑयल के लिए इनपुट का काम करेगा। लाइन क्रिएट कर लेते हैं, सेंट्रल लाइन, एंड देन सर्कल का डायमीटर होगा 5 mm। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लग रहा है या कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जेन्युइनली आंसर दूंगा। फीचर, देन एक्सट्रूड कट, इस होल की डीप हमें रखनी है 17 mm। इसका 2D ड्राइंग में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ड्राइंग को देख सकते हैं। फिर से दिस स्पेस सिलेक्ट एंड क्रिएट स्केच, इस सर्कल का डायमीटर होगा 15 mm। आप चाहे तो ये काउंटर बोर में भी आप क्रिएट कर सकते हैं, मैंने सिंपली इसको स्केच के हिसाब से इसके कट लगा रहा हूँ। फीचर एक्सट्रूड कट, इसकी डीप रहेगी 2.5 mm। एक्चुअली 2.5 की जगह 3 mm हम इसकी डीप रखते हैं, क्योंकि इसमें और भी दूसरे छोटे छोटे पार्ट्स ऐड होने वाले हैं जो कि हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। अब अंदर से थोड़ा चैम्फर लगा देते हैं नीचे वाले छोटे होल को, 2.5 बाय 45 डिग्री। ओके, फिर से चैम्फर, इस बार 0.2, ये होल और ये होल। ओके, अब इसको भी सर्कुलर पैटर्न के
फीचर से हम तीन जगह पे वापस इसको क्रिएट कर देते हैं, कट एक्सट्रूड, सेकंड कट चैम्फर एंड सेकंड चैम्फर। डायरेक्शन दिस डायरेक्शन, ओके। फेस को सिलेक्ट करना है नॉर्मल और जाना है होल विज़र्ड में। ये मेन होल है, ये आउटपुट होल है जहाँ से ऑयल की सप्लाई होगी। सिंपली होल पे सिलेक्ट करना है अनसीमेट्रिक टैप ड्रिल, और इस बार आपको सिलेक्ट करना है 20 बाय 1.5। इसकी डीप रहेगी 18 mm, ओके। पोजीशन हमने सेट नहीं की, इसको पॉइंट इसका पॉइंट ओरिजिन पॉइंट के साथ मिला देना है एंड ओके। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे होल विज़ार्ड, होल अनसीमेट्रिक की जगह इस बार आपको सिलेक्ट करना है आईएसओ। ड्रिल साइज हमारी रहेगी 8 mm, और इसकी डीप रहेगी 30 mm, 30, और ये हमने डीप की थी 18 18, मतलब 12 12 mm डीप रहेगी। पोजीशन दिस पॉइंट एंड ओके। फिर से होल विज़ार्ड में जाके थ्रेड सिलेक्ट करेंगे, हमें इसमें थ्रेड गिराने, तो ये होल का सर्कल एज सिलेक्ट करेंगे। थ्रेड की डीप रहेगी 18 mm, ट्वेंटी बाय 1.5 थ्रेड साइज, क्योंकि हमने टैप ड्रिल भी 20 बाय 1.5 का यूज़ किया है इसमें। इसको भी ऑफसेट करके 2 mm बाहर की साइड में लेंगे, और फिर से मेंटेन थ्रेड लेंथ एंड देन ओके। सिलेक्ट दिस फेस एंड स्केच सर्कल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक होल आएगा जिसमें बेयरिंग लगने वाली है,
इसका ओडी रहेगा 52। ओके, फीचर एक्सट्रूड, सॉरी एक्सट्रूड कट। इसकी डीप रहेगी 60 mm। फिर से इसमें जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच क्रिएट करेंगे सर्कल। इसका डायमेंशन रहेगा 45 mm। ओके, फीचर में जाके इसको भी एक्सट्रूड कट। इसकी डीप रहेगी 1 mm। ओके, फिर चैम्फर, चैम्फर 1 mm। आप एक एक चीज, एक एक टूल ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरह से इस डिज़ाइन को बनाने में यूज किया जा रहा है। अब हम टॉप प्लान सिलेक्ट करेंगे एंड एडिट स्केच। अब हमें सारे कटआउट्स, एक दो और तीन, इन तीन होल को मिला के इस आउटपुट वाले सेक्शन में कंबाइन करना है, मतलब जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम लाइन क्रिएट करेंगे, फर्स्ट लाइन। एक लाइन यहाँ दे देते हैं, ओरिजिन पॉइंट पे यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर से लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं। फिर से एक और लाइन इस पॉइंट को इस पॉइंट से, ओके, ये सब लाइन अपनी जगह सेट हो गई है। तो सिर्फ इसे हमें क्या करना है, ये एक्चुअली इसका कोई डायमेंशन एक्चुअल नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली ये सब होल मिलाने के लिए ड्रिलिंग किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे हम करने वाले नहीं हैं। हमें सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सब बना रहा हूँ। ओके, तो हम सिर्फ इसको, सारे डायमेंशन ऑटोमेटिक सेट हो जाए इसलिए कैलकुलेट कर लेते हैं फुली डिफाइन में। ओके, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब प्लेन्स क्रिएट करेंगे, दिस लाइन एंड दिस पॉइंट। ओके, स्केच,
होल क्रिएट करेंगे, इसका डायमीटर रहेगा 6 mm, ओके क्लोज। प्लेन को हाइड कर देंगे, स्विफ्ट कट में जाएंगे हम, इस फीचर को एक्टिवेट करेंगे। तो प्रोफाइल कौन सी सिलेक्ट करनी है, जो हमने 6 mm का होल क्रिएट किया था वो प्रोफाइल करनी है, और सिंपली राइट क्लिक, इस बॉक्स में जाके राइट क्लिक करना है और सिलेक्शन मैनेजर में जाना है। सिलेक्शन मैनेजर में जाके फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव एंड सिक्स, ये लाइन सिलेक्ट होगी नहीं, ओके ये लाइन सिलेक्ट नहीं होगी, इसके लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं, ओके एंड देन ओके। अब होल हुए है नहीं हुए है, वो लाइन कैसे है, तो हम सेक्शन एक्टिवेट करेंगे, ऊपर का एरिया, ऊपर से हम टॉप व्यू से देख सकेंगे इसको। तो आप देखिए हमारे होल सब स्विफ्ट कट में कन्वर्ट हो चुके हैं, पूरा पूरी लाइन यहाँ से मिल चुकी है, ये होल बाकी है। इसके लिए क्या करना है हमें, फिर से लाइन शो करनी है, प्लेन एक्टिवेट करना है, दिस लाइन एंड दिस पॉइंट, ओके क्रिएट स्केच ऑन दिस प्लेन, फिर से 6 mm का सर्कल क्रिएट करना है, ओके ओके। प्लेन को कर देते हैं हाइड, स्विफ्ट कट, सिलेक्ट सर्कल, और इसका पाथ रहेगा ये वाला, ओके सिलेक्शन मैनेजर, ओके ओके। देखिए तो आप सारे हमारे सेक्शन मिल चुके हैं, जहाँ पे प्लंजर आने वाली है, जहाँ से प्लंजर लगेगी वो प्लंजर तीनों मिल चुकी है, और एक आउटपुट एरिया को ज्वाइंट करके यहाँ से ऑयल बाहर निकालेंगे। हमारे स्केच को कर देते हैं हाइड, सेक्शन को कर देते हैं क्लोज, बॉटम में एक सर्कल क्रिएट करेंगे, थर्टी फाइव mm, फीचर एंड एक्सट्रूड कट 2 mm, ओके चैम्फर, टू एम एम, ओके
फिलेट 7 mm, इस पॉइंट, इस लाइन से, इस लाइन को फिलेट अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा कोई ये डिज़ाइन थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखना चाहिए, कि जैसे रियल में किसी ने इसके अंदर रख दिया हो। फिलेट टू एम एम, फिलेट ये कहाँ लगानी है हमें, यहाँ पे। ओके ओके एक चैम्फर यहाँ पे लगा देंगे 0.5 की। चैम्फर अगर टेक्निकल या इंजीनियरिंग कोई भी डिज़ाइन हो या ड्राइंग हो उसमें चैम्फर ना हो तो वो डिज़ाइन अच्छी नहीं दिखेगी, और एक्चुअली वो रियल डिज़ाइन भी नहीं कही जाएगी जिसमें चैम्फर ना हो या फिलेट ना हो। जहाँ पे फिलेट लगानी है वहाँ तो ऑब्वियसली लगानी ही पड़ेगी। ये एक्चुअली नीचे वाला बॉटम वाला भाग है, जो बेस बेस भी बोल सकते हैं इसको, और इसके ऊपर सारे प्लंजर और मेन जो भी पार्ट्स है सब इसमें फिट होने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे चैम्फर या फिलेट क्रिएट नहीं किया है। तो अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट तैयार हो चुका है, इसको अपीयरेंस सेट कर देते हैं। इसमें इसमें जाना है आपको मेटल, मेटल में जाके स्टील सिलेक्ट करना है, स्टील में जाके आपको सिंपली कार्बन कास्ट आयरन, कार्बन कास्ट कास्ट कार्बन स्टील एक्टिवेट करना है और इसको अप्लाई करना है इसमें। कलर थोड़ा सेट कर देते हैं इसमें ताकि लुक वाइज अच्छा दिखे। हमें और कोई कलर लेना नहीं है, बस ये लाइट ब्लैक लेना है। ओके अब हमें क्या करना है, जितने भी कट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, थ्रेड होल इन सब का अपीयरेंस सेट करना है हमें। तो फिर से अपीयरेंस में जाके सिंपली कार्बन स्टील अप्लाई करना है, और इस फेस को भी कार्बन स्टील में अप्लाई करना है ताकि इसकी जो जिस पर ये चीज़ फिट होने वाली है वो एक्चुअली फिनिशिंग होनी चाहिए। रियल भी ऑफ कर देते हैं, देखिए लुक वाइज कितना अच्छा हमें दिख रहा है। आप इसके जो टेक्सचर है, जो कार्बन स्टील कास्ट कार्बन स्टील का इस टेक्सचर को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट तैयार हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट्स में जो हम बनाने वाले हैं, इसके दूसरे पार्ट को जो प्लंजर होगी जो यहाँ पे फिट होगी। एक एक करके हम अलग अलग से पार्ट्स बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।